हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये ब्लॉग जा रहा है मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन का, और मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ सुबह सुबह। तो ये देखिए, मैंने बेड को क्लीन करके तकिए को अपनी जगह पे रख दिया है। ये मेरे बेड को देख लीजिए आप लोग। और ये वीडियो बहुत ही लेट से जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितनी बिजी हूँ आजकल, और आप देख ही रहे होगे मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए, मेरा सारा किया कया कराया पानी में चला गया। मैंने बेड को देखा था आपने, कितना क्लीन कर दिया था। और देखिए, बाबू ने यहाँ पे क्या उधम मचाया। और ये देखिए, पूरा तेल वगैरह सब बिखेर दिया था, तब मैंने इसे ले जाके नहला दिया, और फिर मैं इसे सुला चुकी हूँ। और मेरा चारों तरफ आज काम फैला हुआ है। ये देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं। ये बाबू ने कपड़े को थोड़ा सा गंदा कर दिया था, बेड वगैरह को, उसको भी डाल दिया। और ये देखिए, मेरे सारे बर्तन पड़े हुए धोने के लिए, और इधर मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है। और ये देखिए, मेरा किचन कितना फैला हुआ है। ऐसे तो सभी टाइम ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वे समझ सकते हैं इस बात को। और ये देखिए, मेरी सब्जी बन रही है, आलू और गोभी की सब्जी। और साथ ही साथ मैं देखिए, मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और ये आलू गोभी की सब्जी थी, और सब कोई जानते होंगे, इसलिए मैंने इसका शेयर नहीं किया है रेसिपी। और ये देखिए, मैंने दाल और चावल पहले ही बना के रखा था। और उधर आपने देखा, मैं साथ ही साथ कपड़े भी धो रही थी। और ये देखिए, ये ड्रेस आज मैं पहनूंगी, मेरा मैरिज एनिवर्सरी आज, इसलिए थोड़ा नया ड्रेस मैंने निकाला है, और बाबू का ये फ्रॉक। और देखिए, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, और थोड़ा आज मैं पूजा कर लेती हूँ। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पर आज मैं पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी लगभग 3 बजे से ज़्यादा हो चुका है। और मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे पास नहीं है, इसलिए बाबू को देखना भी है और काम भी करना है, इसलिए ज़्यादा लेट हो जाता है। और इत्तेफाक से आज मेरी ड्यूटी नहीं पड़ी हुई थी, इसलिए थोड़ा मैं काम भी कर पा रही हूँ। देखिए, घड़ी का सुई, ये देखिए 2:30 बज रहा है, या 3 बज रहा है, या 3:30, अभी पता नहीं चल रहा है। और देखिए, बाबू सो के उठ गई है, मैंने उसे सुला दिया था। और बेड तो आपने देखा ही था, मैंने ठीक किया था, पर देखिए फिर अभी कैसा हो गया है। और अभी मैं तैयार भी होंगी, और इसको भी तैयार करूंगी। और बड़ी वाली बेटी पहले से ही मेरे मायके में है, देखिए मैं रेडी हो गई थी थोड़ा थोड़ा, और बाबू को मैंने रेडी कर दिया है। और वहाँ मेरा भाई और मेरी बेटी मेरा वेट कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं कि कब आइएगा कब आइएगा। और आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि मैंने वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक ही कान में पहना है, मुझे पता नहीं था। देखो नहीं था, इधर देख 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 देख, पैसा कहाँ गया बाबू का। और बाबू यहाँ कुछ पैसे ले लिए है और खेल रही है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जो अभी बैंड लगाई हुई है बाबू इसको लगा के नहीं रखती है। मैंने बड़े शौक से इसको ख़रीदा था, पर ये इसे अभी याद नहीं है, इसलिए थोड़ी देर इसने रखा हुआ है, पर इसे निकाल देगी ये। खता क्या खता बाबू, नहीं जाओ उधर, चलो मामा साथ चलेंगे। और यहाँ आपको दिखाई दे सकता है कि मैंने एक ही इयररिंग पहना हुआ है, और मुझे तब तक पता नहीं था। मैं पापा के घर गई, तब मैंने वहाँ देखा, तब मुझे पता चला। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड यहाँ तैयार हो रहे हैं, तो ये जूता पहन रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा आप अपना फेस भी दिखा दीजिए, तो ये देखिए किस तरह से पोज देने लगे। ऐसे मेरे हस्बैंड बहुत ही स्मार्ट है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं, पर अभी इन्होंने सेविंग नहीं किया है, इसलिए इस तरह दिख रहे हैं। अगर सेविंग कर लेंगे तो ये आमिर खान से कम नहीं लगेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ अपने मायके। और आते वक्त हम लोगों का स्कूटी ख़राब हो गया था, तो हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ के यहाँ पे आए। तो यहाँ देखिए, वो केक ला चुका था मेरा भाई आने के, मतलब 1-2 घंटे के बाद हम लोगों ने केक कट करना स्टार्ट किया है। अभी 6 बज गए होंगे, 6 या 6:30।
तो ये कैंडल लगा रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखा हुआ है दी एंड जीजू, और कैंडल लगा रहा है, ये बार बार गिर जा रहा है तो फिर से अच्छे से लगा रहा है। तो मेरी बेटी भी है यहाँ पे और मेरा भाई भी है, ये भाई मेरा छोटा भाई है, एक और भाई है मेरा इससे बड़ा है, पर दोनों मुझसे छोटा है। तो यहाँ देखिए सब कुछ रेडी हो गया है, अब हम लोग कैंडल जलाएंगे। तो देखिए कैंडल जल चुका है, अब ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं, तो पूरा कैंडल वो लोग जला रहा है और फिर हम लोगों को बुलाएगा बुझाने के लिए कैंडल को। तो देखिए ये सब कोई यहाँ पे ये वीडियो कॉल पे है, बोला है कि वो केक कट करते समय सब कोई रहेंगे यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे। तो ये देखिए सब कोई वीडियो कॉलिंग पे है, हम नहीं होते हुए भी सब कोई हम लोग एक साथ है अभी। और यहाँ देखिए पूरा कैंडल जल गया है, अब केक कट किया जाएगा, तो चलिए केक कट करते हैं। ला फोटो लो, फोटो ले लिए हैं। कहाँ सामने से लो ना, बैठे रुको रुको, बुआ देखो अभी कैसे करेगा। मम्मी देखो इधर, पापा देखिए कैसे करेगा, पापा देखिए। अरे अपने साइड से खा लिए थे, चलिए फूकिए। बाय तो हो रहा है, फूकिए 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 जल्दी ना, फूकिए तो सही। बच्चे ने फूंक कर, फूकने वाला सिस्टम भूल गए हैं ना सर, कभी नहीं ना किए हैं बच्चा में। फूकिए फूकिए फूकिए, अरे नहीं भूला, नहीं भूता, नहीं भूता, नहीं भूता, नहीं भूता, अरे भूत गया, नहीं भूता। अरे तू क्या फूक रही है, हट। नहीं होता, 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 नहीं होता। अरे अब बुझ गया, अब बुझ गया। मैजिक कैंडल क्यों निकाल रहे हैं? अब निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बजाने इस पर जल जाएगा। नहीं ताली बजाने नहीं, ताली नहीं बजाएगी। चलिए चलिए, अभी केक कहाँ कटा है? लीजिए भाई काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे आदमी होता है, हमेशा बर्थडे में लोग काटता है। चलिए काटिए, निकालिए, खिलाइए। पापा को मुंह में लग गया, खिलाइए ना उनको, खिलाइए ना पहले। पहले उनको खिलाइए, पहले आप खाइए। अरे खाइए, अरे आप नहीं खिलाए, कोई बात हुआ? खाली खा खा लिए, खिलाए तो खाना भी पड़ता है। हाँ उसको लगा लगा भी सकते थे, कोई बात नहीं था। नाना जी पूड़ियाँ खाए थे, नाना जी पूड़ियाँ खाए थे। तो फोटो ली थी ये वाला? हाँ पहले खाती थी, लिए ये ली है तुम? स्ट्रॉबेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी हमको नहीं अच्छा लगता है, वेनिला। बटर स्कॉच है, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच हमको लो आ रही लो। देखा आपने, केक कट हो गया और हमारी मस्ती भी अभी ख़त्म हो गई। और बाबू देखिए, बाबू यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, मैं इसे बार बार रोक रही हूँ और इसके पीछे पीछे जा रही हूँ, और इसके फ्रॉक का पीछे का चेन भी टूट गया है। और अब हम वहाँ से निकल गए थे अपने घर से, हम लोगों को जल्दी अपने घर जाना था, इसीलिए जल्दी से हम लोगों ने केक कट कर लिया। और ये देखिए मैं हूँ और मेरी बेटी, हम लोगों की स्कूटी ख़राब हो चुकी है, इसीलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं थोड़ी दूर तक। उसके बाद हम लोग
ई रिक्शा पकड़ेंगे टावर चौक पे जाके। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आगे बाबू को लेके जा रहे हैं और पीछे से हम दोनों माँ बेटी जा रहा है। और ये देखिए यहीं से हम लोगों ने केक ख़रीदा था। और देखिए ये कितना अच्छा है, हम लोगों ने वो पकड़ लिया अब टोटो, अब उससे जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए देवघर शहर के दोनों तरफ का व्यू थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी बेटी इसे रिकॉर्ड कर रही है, मैंने तो नहीं किया क्योंकि बाबू मेरे गोद में है। और देवघर के दोनों साइड का व्यू थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप था और यहाँ पे अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहले देवघर में उतना ज़्यादा ये मॉल वगैरह नहीं थे, दुकानें तो थी क्योंकि यहाँ बाबा नगरी है, तो बाबा नगरी में सभी जगह के लोग आते हैं, इंडिया से बाहर के भी आते हैं और इंडिया के भी। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे थाना के पास हम लोग आ गए, ये थाना का बाउंड्री वाल दिख रहा है आपको। और इसके आगे कचहरी है, ये देखिए यहाँ पे कचहरी है। और इसके आगे ये बाबू है, देखिए ये बोल रही है कुछ कुछ। बाबू कुछ कुछ बोलते हुए जा रहे थे, उसको गाड़ी देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मॉल है एक, यहाँ देवघर में बहुत सारे मॉल खुल गए हैं अब तो, हर कदम पे एक नया मॉल है। और अब देखिए हम लोग अपने मोहल्ले की तरफ घूम गए हैं, गाड़ी घूम गया है। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अंधेरा है रोड के अगल बगल। और इसके बाद हम लोग टर्न ले लेंगे अपने घर की तरफ। और यहाँ पे एक मस्जिद है हम लोग के मोहल्ले में, ये पुरंदाहा बोला जाता है। यहाँ पे देखिए यही मस्जिद है, मस्जिद का दीवार दिख रहा है आपको। और यहाँ हम आ गए थे अपने घर और बाबू देखिए राइम्स देखते देखते सो गई। और इसके बाद मैं अब खाना बनाऊंगी, दिन में हमने जो सब्जी बनाई थी आलू गोभी की वही है, और थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे बाबू बहुत ही उधम मचाते रहती है, जब तक जगी रहती है तो कोई काम ही नहीं करने देती है। तो अभी ये सो गई है तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था और ये देखिए मैंने पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं खाना लगा दूंगी सबके लिए। और ये पूड़ियाँ मैं तल रही हूँ और सब्जी दिन का ही है। तो बस इस वीडियो में मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती होगी मेरी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसके एक दो दिन के बाद देखिए ये बाल देख के बर्तन देने वाला आया हुआ था, तो इसको मैंने रिकॉर्ड किया। मेरी बड़ी वाली बेटी के बाल बहुत लंबे हैं तो कुछ कुछ दिन पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। जब ये आने लगा था तब मैं बाल जमा करने लगी थी और अभी तक मेरे पास 5-7 कटोरे हो गए हैं बाल दे दे के। तो ये पुराने पुराने मोबाइल भी लेके जो कि काम के नहीं होते हैं ये बर्तन देते हैं, तो ये पूछ रहे हैं मोबाइल वगैरह है तो दे दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी मेरी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो कुछ कमेंट, कुछ अगर कमियाँ होगी तो वो बताइएगा, मैं फिर अपने आप को सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद एक बार फिर से।